समझिएगा इस व्रत शिव महापुराण कथा को कि व्रत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा व्रत है, तो उसको छोटा करने का भी तो तरीका शास्त्रों में कहा गया है। गुरुजी, हरतालिका तीज का व्रत इतना भारी होता है, करवा चौथ का व्रत इतना भारी होता है, तीज का व्रत इतना भारी होता है कि हम कुछ भी नहीं खाते, यहां तक कि मुख में जल भी आता है ना तो उसको भी हम निगल नहीं सकते। अब इतना भारी व्रत, और शास्त्र कहता है कि हरतालिका तीज का उद्यापन तो पहले होता ही नहीं, एकादशी का तो हो जाता है। और यहां तो हरतालिका तीज का, अब एकादशी का तो आप 26 एकादशी जब आपकी पूरी हो जाए, तीन वर्ष बाद अधिक मास आ जाए, 26 पूरी एकादशी का व्रत कर लो, तुम 11 पे करो तुम्हारी मर्जी पड़े, 26 एकादशी पर जब व्रत करोगे तो ये आपके ऊपर है, 26 पर करो। पर हरतालिका तीज का जो व्रत है इसका उद्यापन तो ना तो पहले होए और इसका उद्यापन ना 13 वर्ष के पहले होए, इसका उद्यापन तो जब तक कन्या हो, चाहे स्त्री हो, चाहे नारी हो, चाहे पुरुष हो, हरतालिका तीज का अगर उसको उद्यापन करना है तो 13 वर्ष तक तो आपको व्रत करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही इसका उद्यापन हो। नहीं तो कहीं कहीं की माताएं तो बड़ी होशियार सोच के बैठी थी कि आपकी साल उद्यापन कर, तो 13 वर्ष अगर आपके हो गए व्रत करते करते हरतालिका तीज का, हरतालिका तीज जानते हो ना, तेरह वर्ष अगर आपके हो गए भगवान की भक्ति को धारण करते करते, 13 वर्ष अगर आपके हो गए हैं भगवती स्मरण करते करते, उसके बाद में आप बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से आप व्रत का उद्यापन करो, कोई मना नहीं। पर यदि आप उद्यापन कर रहे हो और आपका मन है कि मुझे उद्यापन करना ही है, तो 13 वर्ष तक जिस भाव से आप भगवान का व्रत कर रहे हो, साधना कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, उसी भाव से आप उसको करें। गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले आ जाती है, सहज भाषा में समझ लो तीज को, हस्त नक्षत्र तृतीया, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है हरतालिका तीज का पूजन अगर आप कर रहे हो और हरतालिका तीज का अगर आप स्मरण कर रहे हो तो उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई जरूरी है तो शंकर भगवान जहां विराजमान होते हैं उनके ऊपर उनकी 5 कन्याओं का होना जरूरी है, मतलब ऊपर फुलेरा बंधना जरूरी। फुलेरा का मतलब जानते हो, एक जैसे शंकर भगवान नीचे विराजमान है और ऊपर जो जलाधारी बनती है ना, तो जलाधारी की जगह पर शंकर भगवान की हरतालिका तीज के दिन जब नारियां पूजन करती हैं, माताएं पूजन करती हैं, कन्याएं पूजन करती हैं, तो उस पे जलाधारी की जगह फुलेरा बनता है, मतलब फूल की मालाएं उसमें लटका दी जाती है। अब कितनी माला लटकाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कम से कम 5 माला उसमें होना जरूरी है, और 5 से ज्यादा भी लटकाओगे चलेगा पर 5 से कम नहीं होना चाहिए फुलेरा। 5 कौन कौन है ये, जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, देव, शंकर भगवान की 5 बेटी। इससे अधिक अगर आप लटका रहे हो तो शंकर भगवान की और भी बेटियों का व्याख्यान है, मनसा है, अशोक सुंदरी है, ये शंकर भगवान की पुत्रियां, नर्मदा जी का स्मरण आ जाता है, नर्मदा है, तो ऐसा बेटियों का तो आप ज्यादा लटकाओगे चले जाएगा पर कम नहीं। जैसे हरतालिका तीज का जो उद्यापन होता है, उद्यापन में एक सबसे मुख्य चीज क्या होती है कि जो भी आप वस्तु दान दे रहे हैं, जो भी आप वस्तु समर्पित कर रहे हैं, हरतालिका तीज के उद्यापन में जो भी सामग्री आप दे रहे हैं वो 5 होना चाहिए।
तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको पंडित जी का वीडियो और भी देखना है और आपको जानकारी चाहिए, पसंद आए, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। धन्यवाद।